आपका क्वेश्चन देखिए आज किस टाइप का है। किसी संख्या को अगर हम 342 से भाग देते हैं तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी संख्या को अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं हमें शेषफल प्राप्त है और फिर दूसरी संख्या दी जाए कि इसी से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको याद रखना है बेटा भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब भाज्य क्या होता है? जिस संख्या को भाग दिया जाता है, और भाजक क्या होता है? जिससे भाग देते हैं। भागफल जो हमारा आंसर आता है बेटा, और शेषफल जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं जो नीचे बचता है हमारा। तो आपको दिया गया है 342 से भाग देने पर, यानी कि भाजक है 342, भागफल हमें नहीं पता तो हमने मान लिया बेटा के, और शेषफल आपको गिवन है 47। तो दी गई संख्या हमने क्या करना है बेटा, इसी संख्या को हमें अभी दी गई संख्या भी नहीं पता तो भाज्य को भी हमने नाम दे दिया दी गई संख्या, चाहो तो आप एक्स भी नाम दे सकते हो। अब इसको देखिए, अब इसी संख्या को वो कह रहा है अगर 18 से भाग देंगे तो हमें क्या शेषफल प्राप्त होगा, तो ये जो आपकी फॉर्म हमने लिखी है इसी को हम 18 से भाग कर देंगे। और 18 से भाग करके देखो बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे 342 को 18 से तो ये आपका आंसर आएगा 18 × 19 के की फॉर्म में लिखा हमने, और फिर इस 47 को डिवाइड करना है तो 18 × 36 प्लस में बचे आपके 11। अब यहाँ से आप देख रहे हो 18 आपका कॉमन है तो इसमें से आप 18 को बाहर ले लेंगे बेटा, ये बच गया आपका रिमाइंडर शेषफल जो आपको बताना है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को एक संख्या से भाग देने पर इतना शेषफल प्राप्त होता है तो इसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, तो बेटा आपने फॉर्मूला क्या याद रखना है, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि इसी तरह की मैडम आप बड़ी वीडियो बनाइए। ओके बेटा, बाय बाय।